हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलो। तो आज हम लोग बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है हाइड्रोकार्बन का, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। उसका मैकेनिज्म देखेंगे, कैसे प्रोडक्ट मिलता है मैकेनिज्म के थ्रू। देन वी विल सी द सिंपल मेथड कि कैसे हम फाइनली प्रोडक्ट बना सकते हैं विदाउट अगर मैकेनिज्म के कि डायरेक्टली हमें प्रोडक्ट बनाने आना चाहिए। तो वो सिंपल मेथड भी देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे कि कैसे फाइनली हमें प्रोडक्ट आना चाहिए या प्रोडक्ट हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम मैं आपसे यही पूछता है एग्जाम में डायरेक्टली कि हाँ ये ओजोनोलिसिस है, ये एल्कीन है और उसका फाइनल प्रोडक्ट बताइए। तो उस समय मैकेनिज्म वगैरह आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप प्रोडक्ट कैसे बनता है वो आपको आना चाहिए। देन वी विल सी सम प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। तो उस पर कैसे हम डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाएंगे वो प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे मैकेनिज्म है इसका, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन का। आप लोग देख सकते हो निकाल लिया है, एल्कीन लिया है, ये ओजोन से रिएक्शन कर रहा है। तो ये इसका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये ऑक्सीजन पे अटैक कर रहा है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा और साइमल्टेनियसली ये ओ नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक कर रहा है। तो ये कुछ मोल ओजोनाइड बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। दिस इज अनस्टेबल, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये अनस्टेबल होता है, दैट्स व्हाई इट विल रीअरेंज। तो ये रीअरेंज होके ये क्या बनेगा, ओजोनाइड बन जाएगा। और ओजोनाइट के बाद अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे फर्दर वाटर के साथ, ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो फाइनली हमें क्या मिलने वाला है, कीटोन। तो ये तो हो गया मैकेनिज्म की बात कि तीन स्टेप में हमें फाइनली ये प्रोडक्ट मिल रहा है। और वहीं अगर सबस्ट्रेट हमने वही लिया और डायरेक्टली सर प्रोडक्ट कैसे बनता है, व्हाट इज द सिंपल मेथड कि हम डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख लें विदाउट मैकेनिज्म के, तो फंडा क्या है उसका, सिंपल सा फंडा है, देख लो यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन, ये हमारा एल्कीन था। ठीक है, और इस एल्कीन का हमने क्या कराया, ओजोनोलिसिस कराया था। तो ये जो ऊपर मैकेनिज्म हमने देखा, इस एल्कीन का हमने ओजोनोलिसिस कराया और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिला था। तो हमें सिंपल फंडा क्या है कि जब भी ओजोनोलिसिस वाला आपको रिएक्शन आए, आपको क्या करना है, जहां भी डबल बॉन्ड दिख रहा है उसको ब्रेक करना है और दोनों साइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड कर देना है, सिंपल। फाइनल आपको प्रोडक्ट कोई मिल जाएगा जो मैकेनिज्म के थ्रू आपने लिखा। तो यहाँ पे अगर मैं फाइनल प्रोडक्ट बनाऊ तो ये सी आर वन आर टू और ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो, और ऐसे ही ये सी आर थ्री R4 और ये डबल बॉन्ड। तो देख सकते हो सेम हमें प्रोडक्ट मिल गया है। तो बिना मैकेनिज्म के हमें डायरेक्टली प्रोडक्ट ही पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपसे इजिली आप बता सकते हो कि हाँ कैसे क्या प्रोडक्ट होगा ओजोनोलिसिस के बाद। तो क्या करना है, डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, दोनों साइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड करना है। दिस इज द सिंपल मेथड टू गेट प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलिसिस रिएक्शंस। ठीक है, तो फिर यहाँ पे अगर और भी एग्जांपल देख लेते हैं, तो एग्जांपल देखने से पहले थोड़ा टाइप ऑफ ओजोनोलिसिस के बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द टाइप ऑफ ओजोनोलिसिस। टाइप ऑफ ओजोनोलिसिस में आप देखोगे एक होता है ऑक्सीडेटिव और एक होता है रिडक्टिव। ठीक है, फर्स्ट इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस, एंड सेकेंड इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का रिएजेंट क्या होता है, बस आपको वो दिमाग में रखना है, ओ थ्री एच टू ओ या फिर ओ थ्री के साथ हमने एच टू ओ टू भी ले लिया। मेनली आपका यही रिएजेंट सवाल में आएगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का। तो ये भी दो रिएजेंट होते हैं, और भी रिएजेंट है, मेनली यहाँ पे O3H2O यूज होता है। और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में O3 के साथ हमने जिंक ले लिया, ठीक है, या फिर O3 के साथ हमने डाइमिथाइल सल्फाइड ले लिया और देन H2O ले लिया। तो मेनली आपका जो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में ये रिएजेंट आएगा आपके एग्जाम में कि ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट बताइए। ठीक है, तो रिएजेंट आएगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या है ये ऑक्सीडेटिव और क्या ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का रिएजेंट है, ये आइडेंटिफाई आपको।
ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। तो अभी एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं दोनों का प्रोडक्ट कैसे बनता है। तो यहाँ देखो आप, एक एग्जांपल मैंने लिया है कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन। अब इसका मैं ऑक्सीडेटिव भी ओजोनोलिसिस कराता हूँ और रिडक्टिव भी ओजोनोलिसिस कराते हैं। तो अगर इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हम कराएंगे या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराएंगे, ये जिंक H2O, तो मैंने क्या बताया कि आपको पहले मैं रिडक्टिव का बना देता हूं फिर ऑक्सीडेटिव का देखेंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपल डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, दोनों साइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड करना है। दिस इज द सिंपल मेथड, ठीक है, कि हम डायरेक्टली प्रोडक्ट बना पाएंगे। यहाँ पे देखो, डबल बॉन्ड ब्रेक करो, दोनों साइड ऑक्सीजन ऐड करो, डबल बॉन्ड ब्रेक करो, दोनों साइड ऑक्सीजन ऐड कर दो आप। तो यहाँ देख सकते हो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड हो, ठीक है, प्लस CH डबल बॉन्ड हो और प्लस CH2 डबल बॉन्ड हो। तो देख सकते हो आप, ये CH3 CHO हमें मिल गया फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट मॉलिक्यूल का CHO मिल गया है, एंड देन लास्ट पार्ट CH2 डबल बॉन्ड हो मिल गया। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब ऑक्सीडेटिव में क्या करना है, अगर आपको एल्डिहाइड मिल रहा है तो उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देना है एसिड में, और अगर कीटोन मिल रहा है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में तो वो एज इट इज लिखना है। तो एक स्टेप बस आपको यहाँ पे, अगर मैं ऑक्सीडेटिव का लिखूं कि ऑक्सीडेटिव का क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो देखो आप यहाँ पे जैसे कि तीनों एल्डिहाइड मिला है, तो एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको पता है कि क्या होता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, ये जो एल्डिहाइड आपको दिख रहा है बस उसको एसिड में कन्वर्ट कर दो, जहां जहां एल्डिहाइड दिख रहा है, और अगर कीटोन दिख रहा है तो वो एज इट इज लिखना है, प्लस E डबल बॉन्ड OH, E डबल बॉन्ड OH, ये दूसरा हमने एल्डिहाइड का एसिड बना दिया। तीसरा, अगर फॉर्मल्डिहाइड का एसिड बनाओगे तो फॉर्मिक एसिड मिलेगा। अब जब भी अगर आपको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में फॉर्मिक एसिड मिले तो उस केस में क्या होता है कि फॉर्मिक एसिड जो है वो फर्दर ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसमें फाइनली H2CO3 में कन्वर्ट होता है, जो डिसोसिएट होके CO2 प्लस H2O में। तो ये केवल फॉर्मिक एसिड अगर मिलेगा तो फाइनली वो CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी तो एज इट इज हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव दोनों पैरेलली, ठीक है। जैसे कि ये एग्जांपल आप ले लो, तो यहां पे देखो आप, इसका मैं रिडक्टिव करा रहा हूं और ऑक्सीडेटिव भी करा रहा हूं, और ये ऑक्सीडेटिव भी हम लोग इसका करा रहे। तो मैंने रिडक्टिव में क्या बोला कि डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, दोनों साइड ऑक्सीजन ऐड कर देना है, सिंपल सा मेथड, ठीक है। तो यहां पे आप देखो, सिंपल क्या है, आपको दोनों साइड ऑक्सीजन ऐड करना है, ठीक है। तो यहां पे देखो आप, ये हो गया, ये ऑक्सीजन ऐड कर दिया और ये ऑक्सीजन ऐड, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में हमें क्या मिला, ये वाला पार्ट क्या है, कीटोन है, और ये वाला पार्ट क्या है आपका, एल्डिहाइड वाला, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऑक्सीडेटिव में बस एक स्टेप आगे बढ़ना है, कीटोन को एज इट इज रहने देना है, एल्डिहाइड को बस फर्दर ऑक्सीडाइज किस में कर देना है, एसिड। तो अगर ऑक्सीडेटिव का प्रोडक्ट बना है, तो यहां आप देख सकते हो कीटोन को एज इट इज रखना है और यहां पे एल्डिहाइड को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। ये एल्डिहाइड वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये एसिड में कन्वर्ट हो गया एंड कीटोन का एज इट इज रख दिया है। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ठीक है।
तो आप देख सकते हो ऑक्सीडेटिव ओजोन लेसिस में या तो हमें केवल एसिड मिल रहा होगा या फिर कीटोन मिल रहा होगा या एसिड कीटोन दोनों मिल रहा होगा, ठीक है। और वही रिडक्टिव ओजोन लेसिस की बात करें तो हमें एल्डिहाइड ओनली मिल रहा होगा या फिर ओनली कीटोन मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट में या फिर एल्डिहाइड प्लस कीटोन दोनों मिलेगा, ठीक है। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ रिडक्टिव ओजोन लेसिस, अगर प्रोडक्ट में हमें केवल कीटोन मिल रहा हो या केवल एल्डिहाइड मिल रहा हो या एल्डिहाइड और कीटोन मिल रहा हो तो वो रिडक्टिव ओजोन लेसिस का रिएक्शन है, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा आपने समझ ली। जैसे एक सवाल आप देख सकते हो यहाँ पे, एक और सवाल है कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अपॉन ओजोन लेसिस हमने कराया है, गिव्स 1 मोल ईच ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड दे रहा है, फिर एसिटल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड दिया जा रहा है फाइनल प्रोडक्ट, एंड मिथाइल ग्लाइऑक्सल। तो ये मिथाइल ग्लाइऑक्सल का स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज। तो आपको उस हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर बताना है जिसके ओजोन लेसिस से हमें फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और मिथाइल ग्लाइऑक्सल मिला है। तो सिंपल है, ऑप्शन एक चेक कर लो आप। जैसे ये ऑप्शन का अगर हमें प्रोडक्ट बनाऊं ओजोन लेसिस का, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप एल्डिहाइड मिल रहा है फाइनल प्रोडक्ट में, तो सिंपली ये क्या है, रिडक्टिव ओजोन लेसिस वाला, यानी कि हम जो भी हाइड्रोकार्बन है उसका रिडक्टिव ओजोन लेसिस करा रहे हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं है, फिर भी आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट एल्डिहाइड दिख रहा है हमें, तो डेफिनेटली क्या है, ये रिडक्टिव ओजोन लेसिस हम करा रहे होंगे उस हाइड्रोकार्बन। अगर जैसे ए ऑप्शन का आप कराओगे रिडक्टिव ओजोन लेसिस, ठीक है, CH2, देन वी विल गेट का ठीक है फाइनल प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड ब्रेक करना है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड, जहां जहां आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड हो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट CH डबल बॉन्ड हो, CH2 CH डबल बॉन्ड, तो ये आपका सेकेंड पार्ट का और ये आपका फर्स्ट पार्ट का प्रोडक्ट मिल गया, एंड लास्ट पार्ट का CH2 डबल बॉन्ड। यहाँ आप देख सकते हो दो फॉर्मल्डिहाइड मिला है हमें और ये दूसरा ये स्ट्रक्चर मिला है, बट यहाँ पे तो एक फॉर्मल्डिहाइड, एक एसिटल्डिहाइड मिल रहा है और एक मिथाइल ग्लाइऑक्सल, यानी कि ये हमारा हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। तो बी ऑप्शन चेक करते हैं, बी ऑप्शन आप देखो, इसका अगर हाइड्रो सॉरी ओजोन लेसिस कराएंगे, CH2 डबल बॉन्ड, CH CH3 डबल बॉन्ड, CH CH3। अब अगर आपका आप इसका ओजोन लेसिस कराते हो, क्या, तो मैंने क्या फंडा बताया है, डबल बॉन्ड जहां भी है रिडक्टिव ओजोन लेसिस में डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, दोनों साइड ऑक्सीजन ऐड करना है, दैट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो H2C डबल बॉन्ड हो, ये फर्स्ट पार्ट वाला हमें प्रोडक्ट मिल गया, सेकंड वाला प्रोडक्ट देखो आप, CH डबल बॉन्ड हो, CH3 डबल बॉन्ड हो, ये सेकंड पार्ट का प्रोडक्ट मिल गया, एंड थर्ड पार्ट का CH CH3 डबल बॉन्ड हो। देख सकते हो हमें एक फॉर्मल्डिहाइड, एक एसिटल्डिहाइड और एक मिथाइल ग्लाइऑक्सल मिला है जो कि सवाल में पूछा गया है। इट मींस द आंसर वुड बी बी, बी हमारा आंसर होगा, जिसके ओजोन लिस्ट से हमें ये प्रोडक्ट मिला है। तो आपको ऐसे फाइनल प्रोडक्ट बनाने आना चाहिए और रिडक्टिव ओजोन लिस्ट में डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, दोनों साइड ऑक्सीजन ऐड कर देना है, वो प्रोडक्ट आपका रिडक्टिव ओजोन लिस्ट का होगा। और ऑक्सीडेटिव में बस एक स्टेप और आगे कर देना है कि अगर एल्डिहाइड है तो उसको एसिड में कन्वर्ट कर देना है रिडक्टिव ओजोन लिस्ट के प्रोडक्ट को, अगर फाइनल हम ऑक्सीडेटिव में बना रहे हैं, ठीक है। और कीटोन को एज इट इज लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया आपको कि यहाँ जैसे रिडक्टिव ओजोन लेसिस का है तो एक कीटोन एक एल्डिहाइड मिला है, और इसी सब्सट्रेट का अगर ऑक्सीडेटिव ओजोन लेसिस करा रहे हैं हम तो कीटोन को एज इट इज लिखना है और एल्डिहाइड को बस इसमें कन्वर्ट कर देना है एसिड में, तो दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव ओजोन, ठीक है। तो ओजोन लेसिस हमने सीख लिया, तो ये सिंपल मेथड है डायरेक्टली प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और इस पर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फिलो चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। ओके।